आज हम अपना फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नोट करें, व्हाट इज लॉ, इलेबोरेट काइंड्स एंड सोर्सेज. पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं कि लॉ की शुरुआत हुई कब. बेसिकली जब से दुनिया आबाद हुई थी, फिर आस्ता आस्ता डेवेल्प होते होते लॉ का कंसेप्ट आना शुरू हुआ. पहले किंगडम था, बादशाह निज़ाम था, जो बादशाह ने कह देना वो ही कानून का हिस्सा बन जाता. जैसे कि ट्रेडिशन हो, कल्चर हो, कस्टम हो, वो चीज़ें बादशाह का कानून बन जाती थी. यानी कि लॉ की शुरुआत से पहले रवायात पर, रस्म और रवाज के ऊपर होता था कि जो बादशाह ने फैसला कर दिया वो ही रवाज बन जाना और वो ही रवायत बन जाना. इसमें चेंज कैसे आया? इसमें चेंज लाए ब्रिटिश. ग्रेट सेंचुरी 16 एंड 70 के बिटवीन जो लॉ का वर्ड था वो पहले इस्तेमाल होता था जर्मन वर्ड में लैक, एल ए जी लैक. इसके मीनिंग होते हैं फिक्स्ड आर इवनली. जो 17 के बाद ये एक प्रॉपर शेप में आया जिसको वर्ड दिया गया लॉ. यानी कि फिक्स्ड और इवनली ये होता है, फिक्स होता है मुकर्रर कर देना और इवनली जो उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर. अब यहां पे दो चीजें हमारे पास आती हैं कि लॉ को क्रिएट कैसे किया गया और दूसरा इसको इन्फोर्समेंट कैसे की. पहले जो फ्रेंच स्कॉलर्स थे उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की और रिसर्च करते हुए उन्होंने अपने ओपिनियंस दिए और उन्हीं ओपिनियंस को डेवलप करते करते ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का मुकम्मल टाइटल बन गया जिसे हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ कहा जाता है. और वैसे भी आपको पता है कि पार्लियामेंट का जो शुरुआत की है वो ब्रिटिश ने की है, इसीलिए ब्रिटिश वालों को मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट कहा जाता है. जब ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ नोट की गई कि अवाम के लिए ऐसे कानून साजी की जाए जो अवाम के लिए फ़ायदेमंद भी हो, लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल हो और ऐसी पॉलिसीज बने जिसमें मुल्क की स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग हो. तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ थी वो था एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेना. जो लॉ के एक्सपर्ट्स ओपिनियन थे उन्होंने अपने ओपिनियंस दिए और लॉ को डेवलप करते 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 इसको एक मुकम्मल लॉ की एक बुक की शक्ल दे दी. तो ये है हिस्ट्री के लॉ कहाँ से शुरू हुआ, किंगडम से स्टार्ट होके डेवलप हुआ 1670 के बाद. और इसमें सबसे अहम किरदार अदा किया मैग्ना कार्टा ने, जो 1618 में उसने बिल ऑफ राइट्स को अप्रूव किया. बिल ऑफ राइट्स की सबसे पहले, वैसे तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो जो फंडामेंटल राइट्स की सबसे पहले जो बुनियाद थी वो नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरुआत कर दी थी अपने आखिरी हजतुल विदा में, जिसमें उन्होंने कहा था किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर और किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फौकियत हासिल नहीं है सिवाय तकवा के. तो फंडामेंटल राइट्स तो पहले ही हमने दे दिया, 1400 साल पहले ही हमने फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद रख दी. उसी को फंडामेंटल राइट्स को जिसका ये चैंपियन बनते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, वो उसकी वो जो रूल्स है वो हमारे इस्लामिक से लिए हैं और उसी को कंप्लीट डेवलप करके फंडामेंटल राइट्स का नाम दे दिया गया. इसीलिए बिल ऑफ राइट्स को वो चैंपियन जरूर मानते हैं ब्रिटिश, क्योंकि उसमें सबसे पहले शुरुआत मैग्ना कार्टा ने की थी और मैग्ना कार्टा ही थी जिसने बादशाह निज़ाम को बदल के रख दिया और ब्रिटिश में प्रॉपर डेमोक्रेसी का सिस्टम शुरू होना शुरू हो गया. तो बेटा ये है टोटल इसका लॉ का ओरिजिन कैसे हुआ, डेवलप कैसे हुआ और इसको कंप्लीट कैसे किया गया. तो पहले आप इंट्रोडक्शन लिखें, मैं लिखवाता हूँ आपको. द टर्म लॉ इज ड्राइव फ्रॉम जर्मन वर्ड, द टर्म लॉ इज ड्राइव फ्रॉम जर्मन वर्ड लैक, एल ए जी लैक, मीनिंग fixed or evenly, or evenly. The law is create different traditions, customs, creates different customs, traditions,
एंड पब्लिक बिहेवियर लॉ इज बेसिकली यूज इन स्टेट्स एंड कंट्रोल डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। अब ये चीज समझने वाली है कि हम एक नई अगर हुकूमत या स्टेट्स को डेवलप करें, आबाद करें, फर्ज करें, थोड़ा सा आपको एग्जांपल कोट करता हूं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ, 1947 से लेकर 1956 तक, यानी कि 9 ईयर्स बनते हैं, 9 साल तक पाकिस्तान का कोई आईन नहीं था। तो सोचें जिस रियासत का, जिस मुल्क का कोई कानून ही ना हो, आईन ही ना हो, क्या वो मुल्क आगे बढ़ सकता है? तो 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला कानून बना, पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब अगर हमारे पास कानून भी ना हो और मुल्क को आगे लेकर भी चलना हो तो क्या अवाम उसको फॉलो करेगी? जब तक स्टेट्स के अंदर पब्लिक में कानून का डर, खौफ और हरास ना फैल जाए, वो मुल्क आगे डेवलप नहीं हो सकता। आप इस तरह से समझें कि अक्सर हम जब ड्राइव करते हैं रोड के ऊपर तो रेड, येलो और ग्रीन लाइट्स होती है। तो हमारी 95% जो पब्लिक की ट्रैफिक है वो तो उसको रेड लाइट को तो देखती नहीं है ना, वो तो क्रॉस कर देती है। और वो सोचती ये है कि अगर मैं रेड लाइट क्रॉस कर भी लूँ तो मेरे पास अथॉरिटी है, कोई रेफरेंस है, या बहुत पता मुझे 500 या 1000 का वो फाइन कर देंगे, क्योंकि डर नहीं। अगर इसी फाइन को हम 10x से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 1000 की बजाय हम 10,000 रुपया चार्ज करें रेड लाइट क्रॉस करने के, तो आप इमेजिन करें क्या अवाम वो काम करेंगे। अवाम के लिए मैं 26 से 30 सेकंड का वेट कर लूँ मुझे वो सही है, मैं 10,000 रुपया क्यों दूँ? चाहे किसी को खून की बोतल भी चाहिए होती है ना, अक्सर सुनते हैं जब पकड़ते वार्ड वाले तो कहते सर वो खून देने जा रहा हूँ, बड़ी एमरजेंसी उधर जा रहा हूँ, तो वो भी इंतजार कर ले। नहीं यार 30 सेकंड वेट कर लूंगा, 10,000 देना पड़ेगा मुझे। तो कौमों को अगर सुधारना है, आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट करनी है, तो अपना जो सोशल जस्टिस सिस्टम है उसमें बेहतरी लानी पड़ेगी। और हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमारे 99% जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो सकती हैं अगर हमारा सोशल जस्टिस सिस्टम बेहतर हो जाए। तो आप समझें कि 99% हमारे सारे मामला ठीक हो गए। जी अलमिया का मतलब ये है कि तकलीफ दे या मसाइल है जिसका हल ही कोई नहीं अभी तक, ये दुख देने वाली बात है। तो ला, जिन्होंने ला को फॉलो किया, डिसिप्लिन क्रिएट किया, ऐसे ला क्रिएट किए जो पब्लिक के लिए फ्लेक्सिबल भी हों, जिसको पब्लिक फॉलो भी करे और डर भी रहे, वो कंट्रीज आज भी दुनिया की टॉप 10 कंट्रियों में शामिल है। तो ला के बिना कोई भी रियासत ना डेवलप कर सकती है, ना कोई हुकूमत बन सकती, ना कोई अदारा काम कर सकता है। करप्शन करनी हो ना जी, तो सबसे जो आसान चीज़ है वो है ला में इतनी कमजोरियां पैदा कर दें, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कर दें, इतना उसमें वीक पॉइंट छोड़ दें कि कल को अगर पकड़ भी हो तो बाइज्जत तरीके से वो बंदा प्राउडली चोरी करके, हाँ मैंने चोरी भी की लेकिन ला की कमजोरी की वजह से मैं आप बाहर निकल आया। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बताने का मकसद ये था कि अगर जिन मुल्कों में ला का जो ला नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, तरक्की नहीं करेगा। आगे लिखें जी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू GRG.R, अकॉर्डिंग टू
जी डॉट आर ग्रीन, जी डॉट आर ग्रीन ये नाम है इसका, रिसर्चर है। जी डॉट आर, जी सर जी डॉट आर आगे ग्रीन है पूरा नाम है, जैसे शॉर्ट फॉर्म लगा जैसे गार्नर ग्रीन उसको कहा जाता है, गार्नर ग्रीन कहा जाता है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में जी डॉट आर ग्रीन लिखा जाता है। ठीक हो गया, अकॉर्डिंग टू जी आर ग्रीन से डैट द सिस्टम ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, द सिस्टम ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस विच द स्टेट इनफोर्सिस, विच द स्टेट इनफोर्सिस, मैं रिपीट करता हूं, द सिस्टम ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस विच द स्टेट इनफोर्सिस, यानी हकूक और जिम्मेदारियों का जो निजाम है उसे रियासत नाफज करती है, रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी पब्लिक को फंडामेंटल राइट्स दे, बुनियादी हकूकी फरहमी दे, उसकी जिम्मेदारी में है, वो आपको मुकम्मल मजहबी आज़ादी दे, फ्रीडम ऑफ स्पीच दे, फ्रीडम ऑफ डिबेट दे, ओपिनियन दे, जहाँ पे आप तनकीद करें या तारीफ करें आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस ना हो, प्रेशर ना हो, आप आज़ाद रहें, ये रियासत की जिम्मेदारी होती है, यही उसने कहा है और यही ला है। अगर दुनिया में कोई भी रियासत हकूमत कायम दायम है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स की वजह से है, क्योंकि उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने इमाम को हकूक दे, अगर वो फंडामेंटल राइट्स नहीं देगा तो रियासत तो रहे नहीं, फिर तो हम इसे कहेंगे बनाना कंट्री कहेंगे ना, बनाना रिपब्लिक, समझते हैं बनाना रिपब्लिक टर्म क्या होती है, बनाना रिपब्लिक उसे कहते हैं जहाँ पर ना कानून हो ना कोई पूछताछ हो, जो मर्जी है जिसका हाथ पड़े जो मर्जी करे, कोई पूछताछ ना हो, कानून की धज्जियाँ उड़े, लूट मार आम हो। और बनाना रिपब्लिक में सबसे जो अहम कंट्रीज आती हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज आती हैं जहाँ पर कोई पूछताछ नहीं है, अकाउंटेबल कोई नहीं है, आंसरेबल कोई नहीं है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। और अक्सर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो पाकिस्तान को तशबीह देते हैं बनाना रिपब्लिक में, लेकिन अभी बनाना रिपब्लिक मुकम्मल बना नहीं, अभी भी कोई सांसें हैं, अगर 50% तक तो उम्मीद है कि सांसें अभी चल रही हैं, लेकिन बनने में देर भी नहीं लगेगा। जहाँ पे अवाम के हकूक का ख्याल नहीं रखा जाएगा, जहाँ पे जिम्मेदारियाँ का ख्याल नहीं रखा जाएगा, वहाँ पे हुकूमतें रियासतें तबाह हो जाती हैं। मैंने बताया था रियासत है तो हुकूमत है, हुकूमत है तो रियासत है। आगे काइंड्स हैं इसकी, सिक्स काइंड्स हैं इसकी, जिनको टाइटल दे के आगे उसको एक्सप्लेन करना है। पहला होता है कंटेंट ऑफ लॉ, कंटेंट ऑफ लॉ में आता है जी पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ लॉ, दूसरा आता है जी एग्जेक्टिव लॉ, तीसरा आता है स्टैट्यूज, चौथा आता है ऑर्डिनेंस, एडजुडिकेशंस, थर्ड स्टैट्यूज STATUDES कॉमन लॉ। अच्छा जो पहली काइंड है वो है कंटेंट ऑफ लॉ, कंटेंट क्या है लॉ का, वो कितने हिस्सों में कंटेंट को तकसीम किया जाता है, ठीक है, इसमें टाइटल देते हैं, नमान देते हैं, कंटेंट ऑफ क्या है, इसका टाइटल क्या है, कहाँ शुरुआत इसकी होती है, उसमें पहला था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अच्छा जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो होता है जनाब जो हमारा स्टेट्स का लॉ होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा लॉ क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ये लॉ होता है रियासत को हुकूमत को चलाने के लिए, जो वाजिया होता है, जिसमें बताया जाता है कि हमारा जो कानून है वो किस पर बेस करता है, हमारे कानून में सिविल भी है क्रिमिनल भी है, हमारे लॉ में
वो तमाम चीज़ें ऐड हैं जो एक मुल्क और रियासत को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हैं, इसके अलावा जो हमारे क्रिमिनल हैं वो भी हैं, इसके अलावा अदारों कैसे कंट्रोल करने हैं, अदारों की पॉलिसीज कैसे बनानी है, वो सारा इसका काम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ जो कि हमारा पाकिस्तान का है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ 1973 ये लिखने MCQ में अक्सर वो पूछता है कि पाकिस्तान का जो आइन है वो कौन सा है, MCQ में अक्सर पूछता है वो। दूसरा है आ गया जी एग्जेक्टिव लॉ। अच्छा एग्जेक्टिव लॉ क्या होता है? ऐसा लॉ या डिग्री जो निजाम चलाने के लिए बनाया जाए, जो निजाम को चलाने के लिए बनाया जाए। निजाम से चलता है, जजेस बैठे हैं अदालत में, केस उनके पास आता है, वो जिसके मतलब कंप्लेन होती है उसी के मुताबिक, चाहे वो अदारे के मतलब है, चाहे वो क्राइम के मतलब है, चाहे एक फर्द वाहद के मतलब है, वो एग्जेक्टिव लॉ के तौर पर वो इंतजामिया को ऑर्डर देंगे कि इसका ये मसला है, ये फैसला ये हल करें। जैसे कहते हैं ना इवन डर के अगर आप FDA में या किसी भी इदारे में FIA हो गया, उसमें कोई मसला आता है, कंप्लेन करते हैं, तो वो इंतजामी पावर भी अदलिया के पास होती है और वो इंतजामी तौर पर जिसके मतलब कंप्लेन हो वो उसी इदारे को आर्डर देते हैं और उसी के मुताबिक फैसला करते हैं। तो ये होता है हमारा एग्जेक्टिव लॉ। थर्ड है स्टैट्यूज। स्टैट्यूज क्या होते हैं? स्टैट्यूज वो होते हैं जो जजेस ने फैसले किए होते हैं, जिनको हमने फॉलो करके आगे उसी के मुताबिक जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसको बताना होता है। फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट में, जिसे हम इसका दूसरा नाम है प्रेसिडेंट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ने जज ने फैसला किया, रिसेंटली एक अपडेट आई कि लोग जब निकाह करते हैं तो निकाह में ना जो लड़की वाले ना वो अक्सर अपने लड़की को सिक्योर करने के लिए कॉलम नंबर 13 में एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखवा देंगे, अगर कुड़ी कल छड़िया ना तो वो अगर डिवोर्स दी मामला खराब हुआ तो 5 मरले का मकान 50 लाख रुपया इक्विवेलेंट हो, 10 तोले जेवर हो, ठीक है, अगर कुछ कहा बोला थप्पड़ मारा तशद्दद किया तो इतने पैसे, ये अच्छा वो सारी कंडीशंस उस पर लिख दी, साइन भी हो जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की न्यू रूलिंग आई है कि निकाह में शरी तौर पर शर्त है ही नहीं, यानी कि अगर लड़का लड़की शादी करना चाहता है तो लड़की के जनाब तू पहले पैसे कमा के फिर तेरे मैं शादी कराऊंगा, वो शरी तौर पर कोई शर्त नहीं। अगर दोनों फैमिलीज राजी हैं तो वो इस्लामी शरी तौर पर वो निकाह करेंगे और रुखसती हो जाएगी, उसमें कोई शरायतें नहीं आएंगी, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होगी। यही सबसे बड़ा मसला आजकल हमारे इस कोर्स में आ रहा है कि वो मेरे पास भी केसेस आए थे इस तरह के, मेरे पास भी केसेस आया था, फॉर जस्ट एग्जांपल देने के लिए बताने लगा हूँ, तो उसमें उस खातून को 12 करोड़ लिख के दिया था, 12 करोड़ दूंगा, लेकिन वो एक बड़ा अदारा था, मैं नाम ही ना चाहता, पढ़ता ही अच्छा होता है, तो उनके साथ था उनकी अटैचमेंट्स। तो मैंने जब उसको पढ़ा सारी चीज़ देखी तो मैंने उसे कहा कि इसका तो कुछ नहीं, उसका तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी है, सुप्रीम कोर्ट का स्टैट्यूज आ गया, उसकी प्रेसिडेंट आ गई। अगर फर्ज करें मैं केस भी करता हूँ सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं तो जो दूसरी लॉयर होगा वो उसकी रूलिंग उठाएगा और आगे रख देगा जज साहब के जनाब सुप्रीम कोर्ट जो अपेक्स कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट है, उस कोर्ट ने इसके मुतालिक रूलिंग दे दी है। तो जो ये मेंटेनेंस का करते हैं कि लड़की की शादी हुई है उसने बाद में डाइवोर्स की, जी जी जी, उसको वो उसका हस्बैंड रख भी लिया तो वो अच्छा ही नहीं निकलता, सपोज अगला बंदा अच्छा ही नहीं निकलता, हम उसके ऊपर केस कर देते हैं तो फिर उसके बाद वो जो हमारा हमारी चीजें उसके पास होती हैं तो वो उसके लिए कोई स्पेशल है कि वो मिलेगा उसको राइट लड़की को जो उन्होंने चीजें उससे ले ली है और उसको जब से उसने निकाल दिया तब से लेके अगर उसने उसको रखा नहीं, उसकी रुकती नहीं हुई तो खर्चा वगैरह दिया वो भी उसको बदला मिलेगा। इसे कहते हैं डोरी केस कहते हैं, जो जहेज का आपका इवन के गिफ्ट तक भी गए हैं, इवन के गिफ्ट भी शेयर हुए हैं तो वो जो लड़की गिफ्ट है लड़की को मिलेंगे। हाँ अच्छा जी, नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है?
ऑर्डिनेंस बेसिकली ये समझ लें कि ये एक टेम्परेरी लॉ, लिख लें टेम्परेरी लॉ होता है जिसको बाद में परमानेंट किया जाता है। ऑर्डिनेंस इज बेसिकली टेम्परेरी लॉ विद पैसेज ऑफ टाइम, आफ्टर दैट दिस लॉ is confirmed and enforced in the state। यानी कि एक टेम्परेरी लॉ था। कैसे? हमारा जो प्रोसीजर है, मैंने अर्ज की थी जो हमारे मुल्क में कानून कैसे पास होता है, हमारे दो हाउसेज हैं, एक क्या होता है लोअर हाउस और एक अपर हाउस होता है। जो लोअर हाउस वो कौन सा होता है, जिसे हम कौमी असम्बली कहते हैं, नेशनल असम्बली, एंड अपर हाउस सेनेट। अब नेशनल असम्बली में लेजिस्लेशन के लिए वो कानून साजी के लिए आता है, पहले उसके ऊपर डिबेट होती है कि ये कानून बनेगा किस लिए बनेगा, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं, फिर उसके बाद उस पर वोटिंग होती है। अगर वोटिंग ज़्यादा बढ़ गई तो वो एक्सेप्टेंस के बाद एज इट इज़ फॉरवर्ड हो जाएगा सेनेट में, और जब वो सेनेट में जाएगा तो सेनेट में भी डिबेट होगी, क्वेश्चन एंड आंसर होंगे और वोटिंग होगी, और आफ्टर दैट वो कानून पास हो जाएगा और प्रेसिडेंट के फॉर्मल सिग्नेचर के बाद वो कानून पूरे पूरे मुल्क में इन्फोर्स हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ऑर्डिनेंस में क्या है, ऑर्डिनेंस होता है 120 दिन के लिए, 4 मंथ। अब 4 मंथ के लिए गवर्नमेंट इसको अप्लाई करती है, और अप्लाई करने के बाद जब उसके एक्सपायरी टाइम आता है तो वो मजीद एक दफ़ा फिर एक्सटेंशन ले सकती है कि मजीद उसको 4 मंथ के लिए मजीद एक्सटेंशन हो जाती है, और जब थर्ड टाइम आता है तो तब वो उसको वोटिंग चाहिए होती है। अगर उसको वोटिंग पड़ गई ज़्यादा तो वो कानून परमानेंट बन जाएगा, वो नाफिज हो जाएगा। अगर उसको दोबारा वोटिंग ना पड़ी तो वो कानून ख़त्म हो जाएगा। सो टेम्परेरी और कन्फर्मेशन दोनों में जो डिफरेंस है वो ऑर्डिनेंस है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्योंकि आपकी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, फ्यूचर में आपके बहुत चीज़ें काम आनी है, तो साथ साथ जो अपडेट्स होती हैं उसको नोट कर लिया करें। इमरान खान ने एक पेरेंट्स के ऊपर लॉ बनाया, ऑर्डिनेंस बनाया पेरेंट्स के ऊपर कि जिसने अपने वालिद को घर से बाहर निकाला, चाहे वो घर किराए का हो, चाहे वो घर उनका अपना हो, चाहे वो घर का मालिक उनका बेटा हो, चाहे वो घर का मालिक उसका वालिद हो, बेटा वालिद को नहीं निकाल सकता, वालिद बेटे को निकाल सकता। अगर उसने निकाला तो वो फर्दर 15 पे काम करेगा, और जो प्रोसीजिंग है, जो प्रोसीजर है ट्रायल का, वो करेगा डिप्टी कमिश्नर, उसका डीसीओ कहते हैं, उसकी अंडर कर दिया, उसको पावर दे दी गई मजिस्ट्रेट की। लोगों की एप्लीकेशन आई, गई वहाँ पे, किया फैसला, बस उसमें टॉप 1 पे आया। अभी ऑर्डिनेंस बने को हफ्ता नहीं हुआ था, सबसे पहले हमने इस काम में बहुत अच्छा किरदार अदा किया हमारे शहर के लोगों ने, तो उन्होंने पहला जो कंप्लेन आई उसमें टॉप पर हमारा नाम आता है फैसलाबाद का। तो वो केस भी यही था, तो खैर बाद में सेटलमेंट होगी। ये बनाने का मकसद ये था कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दें, पेरेंट्स ओल्ड एज उनके लिए नहीं है। अब इसने बनाया ऑर्डिनेंस 120 दिन के लिए, पहले दिनों नाफिज किया इस्लामाबाद में, फिर इसको किया पंजाब में, उसके बाद फिर इसको उन्होंने रिन्यू किया, फिर 120 दिन हो गए। जब थर्ड टाइम आया तब उसको वो मेजोरिटी नहीं मिली, वोटिंग नहीं मिली, और ये ऑटोमेटिक कानून ख़त्म हो, ऑर्डिनेंस खत्म हो गया। सो ऑर्डिनेंस को एक्ट बनाने में सबसे ज्यादा जो अहम चीज है वो है आपकी मेजोरिटी ऑफ वोट, या कम से कम 2/3 मेजोरिटी हो, या फिर इतने ज्यादा वोट हों जो दूसरे पे बरखिलाफ है उससे ज्यादा वोट होने चाहिए, फिर ही वो कानून परमानेंट या एक्ट बन सकेगा। ठीक हो गया। अभी हमारे पंजाब में बड़े ऑर्डिनेंस जो एक्ट बने हैं, खवातीन के लिए बने, वुमेन पावर का बना है, वुमेन राइट्स का बना है, फिर उनकी प्रॉपर्टी के राइट्स के लिए बना है। पर वुमेन की प्रॉपर्टी का क्या बना है? वो
सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है, वरासती सर्टिफिकेट उसे कहते हैं। सर वो जो अपने बाप की तरफ से ले सकते हैं, वो हर तरफ से ले सकते हैं। अगर वो मेरी मम्मी अपने मां मेरे मामू से ले सकती हैं, हां ले सकती है, ले सकती है। सर अगर वो किसी भी वजह से नहीं देते, उन्होंने अपनी जो पहले अपने मेरे मामू के नाम लगवा दिया होगा खुद से, उन्होंने जबरदस्ती लगवा दिया होगा, अभी दोबारा हम उनके नाम से करवा के बिना वो सकते हैं। हां करवा सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उसे वोट नहीं मिले तो ऑर्डिनेंस खत्म हो गया। जी जी, तो जो एम एन ए वो ही देते हैं ना वोट, सरेंडर्स भी देते हैं। कॉमन लॉ होता है बेसिकली पब्लिक लॉ, जिसमें सिविल मैटर्स को डायरेक्टली डिस्कस किया जाता है, जो सिविल कोर्ट्स में डिस्कस होते हैं, जिन पर आप दावे करते हैं अपने प्रॉपर्टी के मसाइल के लिए, पैसे के लेन देन के लिए, मामलात के हल के लिए, तो वो बेसिकली उसे कहते हैं कॉमन लॉ। और कॉमन लॉ की जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस करवाई थी ब्रिटिश ने, पहले उन्होंने अपने मुल्क में इंप्लीमेंट की, फिर इन्होंने आस्ता आस्ता दूसरे मुल्कों में इंट्रोड्यूस करवाई। ये सिविल मैटर के डिस्कस करने के लिए होती है, उसे हम कहते हैं कॉमन लॉ। ये एक काइंड हुई है। सेकेंड काइंड है स्पेयर ऑफ लॉ, के लॉ के दायरे में रहते हुए। इसमें आता है प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ, इसकी दो हैं टर्म्स। अच्छा जी, स्पायर ऑफ लॉ में बेसिकली जो चीज है कि लॉ के दायरे में कौन सी चीजें आती हैं। पहला आता है जनाब प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट लॉ वो होता है जो किसी खास फर्द या खास फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाए, यानी कि किसी मखसूस फर्म को, मखसूस अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए जो लॉ बनाया जाए उसे हम कहते हैं प्राइवेट लॉ। यानी कि एक ऐसा स्पेसिफिक लॉ जो बिजनेसमैन आर फर्म या आर अ पर्सन टू गेट एडवांटेजेस फ्रॉम द लॉ इज कॉल्ड प्राइवेट लॉ। अच्छा, जो पब्लिक लॉ है ये, जैसे कि पब्लिक लॉ अवाम के नाम से, तो ये अवामी तौर पर जो अवाम के मसाइल हैं उसके हल के लिए गवर्नमेंट लॉ बनाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिले लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, उसे हम कहते हैं पब्लिक लॉ। जो मसाइल के हल के लिए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट में जो फर्म है, कोई खास फर्म हो, कोई खास बंदा हो जी, किसी खास को फायदा पहुंचाने के लिए, जो जो सिर्फ उसी को फायदा पहुंचे, उसे हम कहते हैं प्राइवेट लॉ। आगे आगे जी, जैसे गवर्नमेंट के होती हैं अलग से कुछ सेक्शन होते हैं, जैसे फौज की होते हैं अलग से, प्राइवेट वो मतलब उनका अलग से वकील होते हैं, वो वाला सब ये सेक्शन है प्राइवेट लॉ वाला। जी सर, क्या मैं राइट थी सर, मुझे कह रही थी जी जी सही कह रही थी। नेचर ऑफ ऑफेंसेस, ऑफेंसेस ऑफेंसेस कर लें या डिस्ट्रीब्यूट्स कर लें, डिस्प्यूट्स कर लें, इसमें आता है क्रिमिनल और सिविल। क्रिमिनल लॉ जराइम के, जो जराइम करते हैं उसके हवाले से, कि जो जराइम है उसकी
नौयत क्या है, जराइम की सजा जजा क्या है, जराइम को कंट्रोल कैसे करना है, ये उसके हवाले से है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ होता है जो डायरेक्टली सिविल मैटर में, इसमें आपके ये प्रॉपर्टीज़ के आगे, पैसों के लेन देन के मामला आगे, फैमिली केसेस आगे, वो सारे सिविल लॉ में आते हैं। हाँ जी, प्रॉपर्टीज़ के मतलब लगे इसको फौजदारी भी कहते हैं, वो इसको कहते हैं, इसे सिविल कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी पैसे लेन देन के मामला जो सिविल मैटर्स में आते हैं। ठीक है, आगे जनाब आ गया जी जियो पोलिटिकल लॉ, म्यूनसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। जियो पोलिटिकल जो आपके डोमेन में आए, सियासी तौर पर सियासी दायरे में जो आते हैं, जियो पोलिटिकल लॉ, इनमें आता है आपका म्यूनसिपल लॉ, इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ वो होता है जिससे बैन अवी तौर पर, जैसे एक इंटरनेशनल कोर्ट्स बनी हुई हैं कि जो मुल्की लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे मसाइल हैं या मामलात हैं उसके हल के लिए इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना पड़ता है, क्योंकि यूएनओ ने चार्टर बनाया हुआ है कि किसी मुल्क के कोई मसाइल हैं नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, उसके हल के लिए हमें इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बताता हूँ, इंडिया का वो जसूस पकड़ा था ना कुलभूषण यादव, वो केस कहाँ पर ले गए, इंटरनेशनल कोर्ट्स में ले गए, क्योंकि यूएनओ का चार्टर था कि आप उसको यूज़ करें, इस फॉरम को इंडिया ने यूज़ किया, वो हम तो केस जीत गए, लेकिन कानून बना था, उस कानून सबके लिए उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। तो मुल्की लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कोई मसाइल है उसके हल के लिए हमें इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना पड़ता है इंटरनेशनल मामला हल कराने के, जैसे कि हमारे अक्सर दूसरे मुल्क से मामला अभी चल रहे हैं पाकिस्तान के, अब कश्मीर का इशू है, कश्मीर का इशू है, वो चल रहा है कोर्ट्स में, अगर वो अभी तक उसका फैसला ही नहीं हो रहा। इसी तरह फलस्तीन का इशूज़ है, दूसरे मुल्क के इशूज़ हैं, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में ही जाएंगे। दो ही फॉरम है, एक यूएनओ और दूसरा इंटरनेशनल कोर्ट्स। म्यूनसिपल लॉ वो होते हैं के जो म्यूनसिपल लॉ होते हैं जो हमारे सिटी डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न और मुल्की लेवल पे आते हैं, जिसमें पब्लिक के वो तमाम मामलात जो पब्लिक के आपस में लेन देन के मतलब होते हैं, उसे हम कहते हैं म्यूनसिपल लॉ। आगे अगर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में आता है रिटर्न और अनरिटर्न। रिटर्न लॉ पता है आपको, रिटर्न लॉ कहते हैं जो तहरीरी तौर पर हो, और एक होता है अनरिटर्न लॉ। इसे हम अक्सर पढ़ेंगे कि ये गैर तहरीरी है, लेकिन एक्चुअली इसका मीनिंग और है। वो कैसे? अनरिटर्न लॉ शो ऑफ करता है कि जब लॉ की बुनियाद शुरू हुई तो बादशाह जो थे वो रिवाजों पे, रस्मों पे, सकाफत पे, ज़बानों पे फैसले करते थे, रिटर्न फॉर्म में नहीं करते थे। ऐसा लॉ जो रवायात पर बेस करे उसे हम कहते हैं अनरिटन लॉ, जिसको तहरीरी तौर पर लिखा जाता है लेकिन रवायात के तौर पर उसको फॉलो करते रहे। यानी कि बादशाह ने फैसला किया एक बंदे के मतलब, फर्ज कर क्राइम किया उसने, उसके मतलब उसने फैसला किया, लेकिन बादशाह के मानने के बाद जब उसका दूसरा आएगा, बेटा है कोई आएगा, तो वो उसी ही रवायत को आगे कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, इसीलिए ब्रिटिश का आज भी 2022 का ज़माना जा रहा है, आज भी ब्रिटिश वालों ने अपनी रवायात रिवाजों को नहीं छोड़ा, उनके लॉ का जो पहला पार्ट है वो अनरिटन है, वो रवायात पर बेस करता है। और बेसिकली ये टर्म ही उन्हीं की है अनरिटन लॉ, जो रवाजों रस्मों और रवायात पर बेस करे। हम अभी भी हमारे मुल्क में भी है जो ट्राइबल एरिया है, जिरगा सिस्टम है, ट्राइबल एरिया हो गया जो पहाड़ी इलाके हैं हमारे उधर, उनका कल्चर है, जिरगा सिस्टम है, उनकी रवायात पर बेस करता है कानून, रस्म और रवाजों पे करता है। तो ऐसे कानून जो रवायात रस्म और रवाजों पर बेस करें उसे हम कहते हैं अनरिटन लॉ। और रिटन फॉर्म में रिटन फॉर्म में तो वही आएगा ना जो डॉक्यूमेंट्री होगा ना, रिटन फॉर्म में, जैसे हमारा पाकिस्तान का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ 1973 का आईन है। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीजर,
जुडिशियल प्रोसीजर, जुडिशियल प्रोसीजर में क्या आता है जी? आम में कोर्ट्स कौन कौन जाता है, कौन जा रहा है कोर्ट्स में, कौन जाता है? अभी आप ही जाते कोर्ट्स में? अच्छा, वो आ जाए। जुडिशियल प्रोसीजर होता है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेशंस, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है जी? जी अभी रूल ऑफ लॉ जी, हाँ ये कानून की हुक्मरानी। एक होता है रोल ऑफ लॉ, एक होता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ हो गया आपके कानून की हुक्मरानी, और रोल ऑफ लॉ कानून के ऐसे असूल जिसके बेस, जिसकी बुनियाद पर हम कानून को मजीद एलैबोरेट करते हैं। तो ये है रोल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में क्या आता है कि कानून की हुक्मरानी कौन करता है? कानून की हुक्मरानी जज और पार्लियामेंट। और इसके अलावा कानून की हुक्मरानी हमारे आइन के मुताबिक जो कानून की हुक्मरानी है वो बेसिकली बेस करती है हमारी सुपीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। वो है कानून की जो अपेक्स कोर्ट है ना हमारी, जो निहायत आला अदालतों में जिसके बड़ी अदालत में, वो जो भी ज्यूरिडिक्शन देगी अपनी हदूद के अंदर रहकर फैसला करेगी, जजमेंट करेगी, ऑर्डर्स करेगी, इंतजामिया लेवल पर भी वो सारे काम आते हैं रूल ऑफ लॉ में आते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन में आता है इंतजामिया, एडमिन, किस तरह उसको कंट्रोल करना, लॉ और ऑर्डर को किस तरह लॉ को बना के फिर उसको इन्फोर्समेंट करनी है और उसके मुताबिक फैसले करने हैं, ठीक है। अगर इंतज़ाम ला तो हमने बनाए हुए हैं लेकिन हमारी इंतज़ामिया ही नहीं, इंतज़ामिया वो काम ही नहीं करेगी तो काम नहीं होगा। ये काइंड्स है टोटल, ये 6 काइंड को मैं डिवाइड करके आपको ये स्केच सब इसलिए बना के दिया ताकि आपको इजीली इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि शुरुआत कैसे हुई। और इसका जो पहला वर्ड में लेग नाम था, जर्मन वर्ड था, वहीं से फिर इसको आगे वक्त के साथ साथ चेंजिंग आती गई और उसको ला को मुकम्मल एक शक्ल दे दी गई, ठीक है। और तरीफ में आ गया हमारा अकॉर्डिंग टू जी आर ग्रीन आ गया, उसकी आई और ये काइंड्स आई। नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज, क्या वर्ड है जी? यस, यही ये सोर्स, पहला सोर्सेज है ला का, पहला सोर्स कि ला तो बना लिया, यूज कैसे करना है? हमारे मुल्क में मैं आपको एक अपडेट देता हूँ, काम आएगी चीज़ें। हमारे आइन में कोई भी ऐसी सेक्शन नहीं है जिसमें जो दूसरे मुल्कों से हटके हो, आप यकीन करें। हमारे मुल्क में वो सेक्शंस हैं जो अमेरिकन और ब्रिटिश में भी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? यस, उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ना ही इन्फोर्समेंट हो रहा है। और थर्ड ये है कि पब्लिक अवेयरनेस ही नहीं, सबसे बड़ी सोसाइटी को पता ही नहीं। ये पता कि आई विल सी यू इन कोर्ट, ठीक, ये पता है मैं आपको देख लूँगा वहाँ पर, ये सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि इसको करना क्या है। आप यकीन करें कि यहाँ तक है दाह हमारा कि आपने अक्सर जब घरों में जाते हैं तो सोसाइटीज में जाते हैं तो जिसने अच्छा सा घर बनाया ना या माड़ा भी घर बनाया उसने अपने घर के बाहर वो क्या उसे ब्रेकर कहते हैं, स्पीड ब्रेकर बनाए होते हैं, तो वो कई उन्होंने उसकी कह लें मुकाबले में अपने भी घर के बारे में आते लोग, तो इत्तफाक हुआ तो वो मैं देख रहा था कि जब इंटर हुए तो वो 5-6 बनाए हुए थे उन्होंने, तो उसके घर के बाहर लिखा होता मियां साहब, राणा साहब, जट साहब, मलिक साहब, ठीक है जी, गुजर साहब, उस साहब, फिर जो जो वो गुजर रहा था ना
वो गुजर साहब के लिए बड़ी नेक दुआएं और अल्फाज अदा कर रहा था कि माशाल्लाह जी जी। तो ये चीज़ें जो बनाई गई हैं, इन चीज़ों का कानून की नज़र में ये बंद है, ये इलीगल है। अगर आपके घर के पास किसी ने फजूल में चुतराहट के शौक में डाला हुआ है, वो बनाया हुआ है स्पीड ब्रेकर, तो FDA को कंप्लेन करें और उड़ा के वो मार, और 10,000 रुपये फाइन भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कानून अच्छा है, पता नहीं, यूजेज नहीं है, इम्प्लीमेंट ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। बंदे खैर कोई बात नहीं, अगर किसी का घर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो अक्सर आप देखो जब सोसाइटी में जाते हैं या गली में जाते हैं तो वो घर के कंस्ट्रक्शन के दौरान वो उसने बाउंड्री लगा देता है ना, पूरी गली को ब्लॉक कर देता है। तो आप भी मजबूरी में, वो हज साहब हैं या मलिक साहब हैं, कोई भी हैं, वो नए नए रिटायर होते तो अपने घर को डेवलप कर रहे होते हैं ना, 2-3 मरले घर या 5 मरले को, तो वो भी चुप कर जाते हैं मोहल्ले वाले के कोई नहीं ख्याल हज साहब, और उसको अपना सवारी या अपना वो बेचारे को दूसरे एरिया में खड़ा करके आना पड़ता है। यकीन करें ये भी जुर्म है, रास्ता ब्लॉक इंसानों के अपने हुकूक में हमें पता है, सर चीजें हैं ना जी जी, जो हमें डिस्टर्ब करती है उसके हम अगेंस्ट जाके एक्शन ले सकते हैं। सर अपने राइट्स का ही नहीं पता इन लड़कियों के, क्या कानून है लड़कों के, क्या कानून है, हमें कोई तंग करे हम किस तरह एक्शन ले सकते हैं जी। बिल्कुल, बहुत से लोग ये भी नहीं जानते, वही ना अवेयरनेस की बात है ना, पब्लिक अवेयरनेस की। तो सोसाइटीज में लॉ बना हुआ है, बताने का मकसद ये था कि लॉ हमारा किसी से कम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी यूजेज नहीं है, सोसाइटी को अवेयरनेस नहीं है, ये सबसे बड़ा अलमियत है। दूसरा सोशल रिलीजियन, सेकुलर स्टेट्स क्या होती हैं? सेकुलर स्टेट वो होती है जिसमें तमाम मजहब के लोगों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हो, उनको फंडामेंटल राइट्स मिलते हों, किसी के लिए रुकावट ना बने, हर एक को अपनी सोसाइटी में वेलकम करें, ना उसके रंग जबान नस्ल सकाफत के ज़रिए इसको मुकम्मल ख़त्म करें और हर एक को वेलकम करें, इसे कहते हैं सेकुलर स्टेट्स। अब रिलीजियन पॉइंट ऑफ व्यू पे मजहबी मज़हब में, इस्लाम में जो कवानीन को इस्लामी कवानीन बनाए गए ना, वो अगर उसका अगर 25% भी इम्प्लीमेंट हो जाए ना, तो डेवलपमेंट आप देखें कितनी होती है। दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, 193 में से 57 कंट्रीज़ इस्लामी कंट्रीज़ हैं। इन इस्लामी कंट्रीज़ में एक भी कंट्री ऐसी नहीं है जो मुकम्मल रूल्स हैं रेगुलेशन इस्लामी हों, मुकम्मल। जहाँ कोई ऐसा लॉ बनाया गया हो जिसमें तमाम के लिए अदल इंसाफ एक जैसा हो, हर एक को इहतराम मिले, हर एक को रिस्पेक्ट मिले, हर एक के साथ चला जाए, हर एक को बगैर किसी तफरीक के उसकी बात को माना जाए, इहतराम दिया जाए, उसके मसाइल हल किए जाएं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में रूल्स बताए थे, इक्तदारे आला सुप्रीम पावर कौन है, अतला की ज़ात, सोशल जस्टिस सिस्टम, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, टॉलरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हैं मेन रूल्स इस्लाम के। और इसकी जो फ़राइज हैं उसमें ये है, करप्शन का खात्मा करें, मुल्क में अमल लेके आए, इज्तमाही तरक्की करें, रिश्वत के ख़िलाफ़ चलें, ऑटोमेटिकली माशा खुशहाल होगा, अपना दफाई निज़ाम स्ट्रॉन्ग करें, इस पर बेस करती है इस्लामिक स्टेट्स। ये हैं रूल्स जो कुरान में और सुंदर उसमें वाजिया अहदीस में वाजिया बताए गए, जिसको हम उसका 30% भी नहीं फॉलो करते, लेकिन हैं हम मुसलमान हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, हैं मुसलमान हैं, लेकिन अमल में हम शायद बहुत ही आगे हैं, इतना अमल हम करते हैं पीछे, नहीं आगे ही बहुत हैं जी। आगे आगे जनाब थर्ड है एडजुडिकेशंस। एडजुडिकेशन होता है फैसले करना, जैसे मैं बताया पहले आपको कि जो सुप्रीम है, जो अपेक्स कोर्ट है, वो ऐसे प्रेसिडेंट देती है जिससे सोसाइटी में चेंज आना शुरू हो जाता है, स्टेट्स में डेवलप आना शुरू हो जाता है, लोगों को अवेयरनेस आना शुरू हो जाती है, और खौफ और हरास फैल जाता है, डर फैल जाता है, अगर मैंने ये ला तोड़ा तो मेरे ऊपर ये पनिशमेंट होगी, तो वो चीज़ें ज़ाहिर करती हैं आपका एडजुडिकेशंस।
कि आपने उसके खिलाफ कितना सख्त फैसला किया है और कितना उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है ज्यूरिस्टिक। ज्यूरिस्टिक आता है जी जो जजेस की हदूद, जजेस की पावर्स हैं उसके मतलब कि जजेस की पावर ये है कि जहाँ पे इंतजामी लेवल पे कोई मसाइल का मसला आ रहा है तो जो सुप्रीम है, जो पैक्स कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट है, वो उसका नोटिस ले। फिर वो नोटिस ले के अवामी मामला में, क्योंकि ये हमारे आयन में वाजह उनको दिया गया है कि वो नोटिस ले सकते हैं, तो वो नोटिस ले, नोटिस ले के उस मसाइल का हल कराए और ऐसे ऐसे ऑर्डर्स और लॉ बनाएं, उसके एलैबोरेट करें, इस तरह उसको तशरीह करें ला की कि वो दूसरों के लिए मसाली बने। मैं एक सर्वे पढ़ रहा था गूगल पे कि दुनिया में जहाँ पे अदल व इंसाफ सबसे ज़्यादा होता है उनमें 134 मुल्कों में सर्वे किया गया, 134 कंट्रीज में। और मज़े की बात ये है, खुशकिस्मती से पाकिस्तान का उसमें नंबर है 134। लास्ट पे सर जी, और 80 नंबर पे है इंडिया, और जो टॉप 10 कंट्रीज में हैं उनमें से जो टॉप 3 हैं वो डेनमार्क, नॉर्वे, पोलैंड, ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे 100% सोशल जस्टिस सिस्टम है, 100%। वहाँ का पीएम आज भी साइकिल पे आता है। उनका पीएम चाइना के दौरे पे गया तो वहाँ पे उसको उन्होंने, क्योंकि चाइनीज़ की स्पेशलिटी है कि वो कोई भी सरबराह आता है उसको गिफ्ट करते हैं, तो उन्होंने जो एक्सपेंसिव तरीन वॉच थी रोलेक्स की घड़ी वो उसको गिफ्ट की। वो रोलेक्स की घड़ी पहन के अपने मुल्क में आया तो वहाँ के लोगों ने इस बात को उठाया कि ये स्टेट का गिफ्ट है इसलिए क्यों पहना हुआ, तो ऐट द एंड उसको रिज़ाइन देना होगा। कौमें ऐसे बदलती हैं, सिर्फ उन्होंने अपना सोशल जस्टिस सिस्टम को ठीक किया। और वो क्या सिस्टम है? हज़रत उमर का लॉ। उमर लॉ आज भी यूरोप में टॉप के ऊपर नाम लिखा है और उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया और आज वो दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल है। 57 कंट्रीज़ में एक भी जो इस्लामिक 57 कंट्रीज़ है उनमें एक ही मुल्क ऐसा नहीं है जो दुनिया के टॉप 10 कंट्री में शामिल हो, लेकिन हैं हम मुसलमान, बहुत आगे जा रहे हैं हम। आगे जनाब आ गया इक्विटी। इक्विटी होता है, ये भी समझ लें कि जब पीपीसी बनी पाकिस्तान पिनल कोड 1860 में, तो ब्रिटिश ने एक निज़ाम निकाला कि लोग कानून का बड़ा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उस दौर में भी, तो उन्होंने एक नई टर्म निकाली, नया लॉ बनाया, इक्विटी रिलीफ एक्ट। इसका पूरा नाम है इक्विटी रिलीफ एक्ट। वैसे तो किताब में इक्विटी लिखा है लेकिन मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, ये है इक्विटी रिलीफ एक्ट के नाम से, कि ऐसा बंदा जिसने एक ही एरिए में एक ही किस्म के क्राइम किए हों, एक किस्म के यानी कि बंदा डकैती की हो, बंदा भी एक ही हो मुख्तलिफ थानों में, तो अगर उसने 10 डकैतियाँ की हैं तो उसको सज़ा 10 दफ़ा नहीं मिलनी, एक दफ़ा ही मिलनी। उसे कहते हैं डबल जियोपार्टी। डबल जियोपार्टी यानी कि एक बंदे को एक ही किस्म के जुर्म में एक से ज़्यादा मरतबा सज़ा नहीं मिल सकती। ये इक्विटी रिलीफ एक्ट निकाला ब्रिटिश ने। इसका एक और फायदा भी, आपने अक्सर सुना होगा बेनिफिट ऑफ डाउट, शक का फायदा हमेशा मुल्ज़िम को मिलता है, शक का फायदा हमेशा मुल्ज़िम को जाता है, ये भी इसी वजह से इक्विटी। बेसिकली इसका काम है निस्बत कानून, यानी कि कानून को उसको बैलेंस करना जिससे अगर किसी का नुकसान नहीं तो फायदा भी कम से कम उसको पहुंचे। अब एक बंदा मर्डर करता है और कानूनी कार्रवाई में तफ्तीश में कुछ कमज़ोरियां रह जाती हैं, उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा उसका लॉयर इसके जरिए और वो इसको यूटिलाइज करके उससे रिलीफ दे देगा। इसे हम कहते हैं इक्विटी रिलीफ एक्ट और ये भी उन्हीं की, ब्रिटिश वालों ने ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया। लास्ट है जी हमारा लेजिस्लेशंस। ये क्या होती है? कानून साजी करना, कानून बनाना, कानून बना के उसको इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट करके
उसको आवाम के लिए बेसिकली फ्लेक्सिबल बनाना। जितने भी हमारे कौमी असम्बली में, नेशनल असम्बली में सेंट में बंदे बैठे हैं, उनका काम ये है, एक्चुअली काम उनका ये है। वही MNA का काम नहीं है कि वो आपके रोड्स बनाए, बिजली के खंभे लगवाए, स्वी गैस के मीटर लगवाए, आपके लिए डिस्पेंसरी का अपग्रेड, उसका काम बेसिकली उसका है नहीं। जब वो ओथ लेता है तो ओथ इसकी बेस पर नहीं लेता, वो ओथ लेता है कि मुल्क के अंदर कानून साजी कराऊँ, अवाम के लिए ऐसे कानून बनाऊं जो उनके लिए आसानियां पैदा करें, मसाइल का हल करवाऊं, ये है बेसिकली। लेकिन हम लोगों ने उनसे वो उम्मीद लगा ली है जो उनका काम ही नहीं। चलिए तो सारे मिलके बिल बनाते हैं जब वो पास जी, बेसिकली जो उनका काम है ना, जिनका ये काम है डेवलपमेंट करवाना गली मोहल्ले सोसाइटी में, वो काम है आपके लोकल जो इलेक्शन होते हैं चेयरमैन वाइस चेयरमैन काउंसलर्स के, उनके ही काम है एक्चुअली। ये ग्रोड, ये सोलिंग और ये स्कूल को अपग्रेड कराना, डिस्पेंसरी को अपग्रेड कराना, ये उन्हीं के काम है। इनके काम बेसिकली नहीं, इनके काम है कानून साजी करना, जहाँ हॉस्पिटल बनाने में रुकावट आ रही है कानूनी लिहाज से उसको दूर करना, फंड एलोकेट करवाना, यहाँ पर कोई पब्लिक वेलफेयर का काम है उसके लिए काम करना, ये है इसका बिल्कुल। तो ये कानून साजी करने का मकसद क्या है, पार्लियामेंट को क्यों शामिल किया गया? अगर कानून साजी करनी हो, एक क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट से सवाल किया, उसका जाना सर कानून साजी अगर करनी है तो वकीलों से अच्छा कौन कर सकता है? क्वेश्चन ठीक था उसका, ये जो एक्सपर्ट हैं, जो सीनियर लॉयर्स हैं, उनसे अच्छी कानून साजी कौन करेगा? उनका तो 24 आवर्स काम ही है ला 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 के साथ खेलते रहना, तो उनसे बेचत को कोई नहीं कर सकता। लेकिन क्यों रखा गया फ़र्क? उसकी वजह यह है कि जो लॉयर है वो पब्लिक के वोट से नहीं आता, वो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है। ये इसमें अवाम शामिल होती है, अवाम की राय शामिल होती है, फिर उनको वो अपने पसंदीदा नुमाइंदे को मुंतखब करते हैं, वोट देते हैं ताकि ये हमारे मसाइल का हल करें, इसलिए उनको शामिल किया जाता है कानून साजी में पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट भी एक सुप्रीम अदारा है। होते हैं बीच बीच में कुछ है, किसमें लगाते हैं? जी जी अच्छा जी, यहाँ तक था सोर्सेस, काइंड्स, डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शंस। यहाँ तक कोई कंफ्यूजिंग कोई क्वेश्चंस, एनी इशू? अब इसके एंड पे आता है कंक्लूजन। हर सवाल पे जो नए आए हैं उनको जरा बता दूंगे आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो एक टोटल हमें आएंगे, पहला क्वेश्चन हमें आएगा MCQ का 20 मार्क्स का, और बाकी हमें आएंगे 7 क्वेश्चंस सब्जेक्टिव, उसमें हमने करने हैं 4 क्वेश्चंस। एक हमारा MCQ हो गया और 4 हमारे हो गए सब्जेक्टिव, वो 7 में से 4 करने हैं। टोटल हो गया हमारा 100 मार्क्स, 45 वाला पास है और 40 प्लस वाले को एग्रीगेट मार्क्स लगा के वो पास कर देते हैं। और जब भी ये अपने क्वेश्चंस करने सब्जेक्टिव, तो पहले इंट्रोडक्शंस, अगर डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन लिख दें, उसके बाद हेडिंग्स, काइंड्स, एलिमेंट्स, वो लिखना है और हर हेडिंग को एलेबोरेट करना है 2 से 3 या 4 लाइनों में। उसके बाद एंड पे आपने लास्ट भी लिखना है कंक्लूजन, तो वो 2 से 3 लाइनों का लिख दें, जो आप जिसकी अपने हेडिंग्स बनाई हैं उन्हीं चीज़ों को आप उसमें फिट कर दें। तो कंक्लूजन के आपको 2 नंबर मिलेंगे, उसके नंबर अलग से मिलते हैं। ठीक हो गए? ओके जी। अली अली बुला लो उनको। ये पूरा क्वेश्चन करवाया हम कर रहे हैं। टोटल 12 क्वेश्चन जो पेपर में आने हैं, 12 में से 7 आपको लाजमी आएंगे, 7 में से 4 कर रहे हैं।